नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सुंदर सा पार्टी वेयर पोटली बैग बनाएंगे, जिसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। और देखिए, इसके लिए मैंने पुरानी साड़ी के पल्ले में से इस तरह से दो सेम साइज के पीसेस कट किए हैं, और बॉर्डर में से हैंडल के लिए दो सेम साइज के पीसेस कट किए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। 13x13 इंच के दो कपड़े की पीसीज हैं ये, और देखिए इसकी लेंथ है 14 इंच और विड्थ है इसकी 3.5 इंच। इन्हें एक साइड रखेंगे और देखिए सेम साइज की मैंने दो लाइनिंग की पीसेस कट किए हैं। अब इन्हें एक साइड रखेंगे, इन्हें लेंगे, देखिए इस तरह से बराबर कर लेंगे। अब देखिए दोनों पीसेस को सेंटर से फोल्ड करेंगे, इस तरह से बराबर फोल्ड करेंगे। अब देखिए ओपन साइड है, यहाँ से नीचे की तरफ 2.5 इंच में निशान लगाएंगे, फिर यहाँ से इस तरफ 2.5 इंच में निशान लगाएंगे, यहाँ से भी अंदर की तरफ भी 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को मिला लेंगे, अब इन्हें कट कर लेंगे। देखिए दोनों पीसेस कट कर लिए हमने। अब लाइनिंग का कपड़ा लेंगे, इस तरह रखेंगे, एक पीस लेंगे, इस तरह रखेंगे इस पे। अब यहाँ से निशान लगा लेंगे इसमें, डालेंगे। अब इन्हें भी कट कर लेंगे, देखिए इन्हें भी कट कर लिया हमने। अब इन्हें लेंगे, यहाँ से नीचे की तरफ 1.5 इंच में निशान लगाएंगे, इसी तरह इस तरफ भी 1.5 इंच में निशान लगाएंगे। देखिए, अब देखिए इस निशान से नीचे की तरफ 1 इंच में निशान लगाएंगे, इसी तरह इस तरफ भी 1 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। देखिए, अब सबसे पहले इस ऊपर वाले निशान से इस तरह से इस निशान तक रखेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, स्केल को इस तरह रखेंगे नीचे वाले निशान पे, यहाँ पे भी लाइन खींच देंगे इस तरह, देखिए इस तरह से। इसे एक साइड रखेंगे, दूसरा पीस लेंगे, इसमें भी नीचे की तरफ 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर इस निशान से नीचे की तरफ 1 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से भी 1.5 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे, फिर इस निशान से नीचे की तरफ 1 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस तरह इसमें भी लाइन खींच लेंगे, दोनों में हमने निशान लगा लिए हैं। इसे एक तरफ रखेंगे, इसे लेंगे, यहाँ से 3 इंच इस तरफ निशान लगाएंगे, एक निशान, और इस तरह यहाँ से अंदर की तरफ 3 इंच में निशान लगाएंगे, इसे एक तरफ रखेंगे। अब इसे लेंगे, यहाँ से 3 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे, और यहाँ से भी 3 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। अब दोनों को एक साइड रखेंगे, अब देखिए दोनों पट्टियाँ लेंगे, पट्टी को इस तरह फोल्ड करेंगे इस तरह से, इस तरह, और इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे, और इस तरह इस पट्टी को भी तैयार कर लेंगे। देखिए दोनों हैंडल हमने तैयार कर लिए हैं। अब फिर से इसे लेंगे, और देखिए यहाँ पे हमने निशान लगाया 3 इंच छोड़ के, और यहाँ पे भी हमने 3 इंच छोड़ के निशान लगाया था। अब देखिए हैंडल लेंगे, इसे इस निशान पे रखेंगे इस तरह, और दूसरा सिरा हम इस निशान पे रखेंगे, और इन्हें सिलाई लगाकर जोड़ लेंगे। इसी तरह दूसरा पीस लेंगे, इसे इस निशान पर रखेंगे हैंडल को, और दूसरा सिरा इस पर रखेंगे, और इसे भी सिलाई लगाकर जोड़ लेंगे। देखिए हैंडल को हमने सिलाई से जोड़ दिया है, ये देखिए इस तरह से। अब एक इसे एक तरफ रखेंगे, इसे लेंगे, एक लाइनिंग का पीस लेंगे, इस तरह रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेंगे। यहाँ से यहाँ तक एक सीधी सिलाई लगा लेंगे, इसे लेंगे, फिर से लाइनिंग लेंगे, इस तरह रखेंगे, और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर इसे भी जोड़ लेंगे। देखिए एक सिलाई हमने यहाँ से यहाँ तक लगाई है, और एक सिलाई हमने यहाँ से यहाँ तक लगाई है। इसे एक तरफ रखेंगे, इसे लेंगे इस तरह से, नीचे वाले कपड़े को इस तरह करेंगे इस तरह,
इस तरह करते हुए यहाँ से यहाँ तक एक किनारे की सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह इसे भी नीचे की तरफ करेंगे इस तरह से, और इसमें भी इस तरह से यहाँ तक एक किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने इस तरह से यहाँ तक एक किनारे किनारे पे सिलाई लगा लिए। देखिए अब इसे इस तरह रखेंगे, दूसरे पीस को इस तरह इसके ऊपर रखेंगे, लाइनिंग के ऊपर लाइनिंग और मैन फैब्रिक के ऊपर मैन फैब्रिक इस तरह रखेंगे। देखिए कपड़े की सीधी साइड सेंटर में है, ये उल्टी साइड है। देखिए यहाँ से बराबर आना चाहिए, दोनों सिलाई एक साथ मिलनी चाहिए। यहाँ से इधर से भी दोनों सिलाइयाँ साथ मिलाएंगे। अब हम एक निशान यहाँ पे लगाएंगे और इस निशान से 4 इंच जगह छोड़ते दूसरा निशान यहाँ पे लगाएंगे। अब देखिए इतनी जगह, इतनी जगह और इतनी जगह छोड़ के हम इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, एक सिलाई हम यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और इस निशान से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, और फिर इस निशान से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, और इस निशान से यहाँ तक, इस निशान से यहाँ तक और इस निशान से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ सिलाई लगाएंगे बस इतनी जगह छोड़ देंगे, इतनी जगह और इतनी जगह। देखिए इतनी जगह छोड़ के और 1 इंच का गैप देखिए दोनों साइड से हमने चारों तरफ इसकी सिलाई लगा ली है। अब हम कॉर्नर पकड़ेंगे इस तरह से और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा कर इसे जोड़ लेंगे। दूसरा कॉर्नर पकड़ेंगे इस तरह से, इसमें भी सिलाई लगा कर इसे भी जोड़ लेंगे। इसी तरह इन दोनों कॉर्नर को भी इस तरह पकड़ते हुए सिलाई लगा कर जोड़ लेंगे। चारों कॉर्नर पर हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए चारों कॉर्नर हमने जोड़ लिए हैं, देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ से इतना हमने हिस्सा खुला छोड़ा था, इससे इसे पलट लेंगे, यहाँ से इसे पलट लेंगे। इस तरह से अब जो ये खुली साइड है इससे अंदर की तरफ करेंगे कपड़े को इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा कर इसे बंद कर देंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा कर हमने इसे बंद कर दिया। अब इसे इसके अंदर डाल लेंगे। इस तरह हम इस तरह लाइनिंग को अंदर करते हुए यहाँ से किनारे किनारे पे एक सिलाई लगा लेंगे। पूरी गोलाई में किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए इसके हमने किनारे किनारे पे पूरी गोलाई में सिलाई लगा ली है, इससे अब लाइनिंग बाहर की तरफ नहीं आएगी। देखिए इस तरह से अब देखिए यहाँ से हमने इतनी जगह डोरी डालने के लिए खुली छोड़ी है। तो सबसे पहले देखिए इस तरह से यहाँ पर एक निशान लगाएंगे ऊपर से, और जहाँ तक ये खुली हुई है एक निशान नीचे तक लगाएंगे। देखिए 1 इंच का गैप देखिए नीचे तक निशान लगा लिया, इतनी जगह छोड़ देंगे। इस तरफ से भी एक निशान हम यहाँ से लगाएंगे और एक खुली जगह छोड़ के एक निशान यहाँ से लगाएंगे। अब देखिए इस निशान से इस निशान को मिला लेंगे इस तरह से, और नीचे वाले निशान से इस तरह से इस निशान को मिला लेंगे इस तरह। अब इस तरह पलटेंगे, यहाँ से भी इस निशान से यहाँ तक लगाएंगे इस तरह, यहां से भी लाइन खींच लेंगे। अब देखिए इस निशान पे हम इस तरह गोलाई में सिलाई लगाते हुए यहां तक सिलाई ले आएंगे, फिर इतनी जगह छोड़ के इस निशान पे भी पूरी गोलाई में हम सिलाई लगा लेंगे यहां तक। देखिए इन निशानों पर हमने इस तरह सिलाई लगा ली, पहले गोलाई में ऊपर वाली सिलाई लगा ली, फिर इतनी जगह छोड़ के नीचे में पूरी गोलाई में सिलाई लगा ली है। देखिए इस तरह से देखिए पूरी गोलाई में सिलाई लगा ली हमने। अब हम इसमें डोरी डालेंगे, और डोरी आप रेडीमेड भी डाल सकते हैं और पतली सी डोरी घर पर भी बना के डाल सकते हैं। देखिए 2 सेम साइज़ की डोरियाँ ली है मैंने, इनकी लेंथ है 27 इंच, 27 इंच लंबी 2 डोरियाँ ले ली मैंने। अब एक डोरी लेंगे, इसमें सेफ्टी पिन लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से हमने खुली जगह छोड़ी है डोरी डालने के लिए, इस तरह डोरी डालेंगे इसमें। इस तरह घुमाते हुए जहाँ से डोरी डाली वहीं तक ले आएंगे। देखिए देखिए अब दोनों डोरी पकड़ेंगे इस तरह की, एक लटकन है मेरे पास, इसमें डालेंगे डोरी के सिरों को। देखिए इस तरह अब यहाँ पे एक नॉट लगा लेंगे
इस तरह से। अब दूसरी डोरी लेंगे, पहले डोरी हमने इस साइड से ला ली थी, अब डोरी हम इस साइड से ला लेंगे। और इसे भी घुमाते हुए वहीं तक ले आएंगे जहां से हमने डोरी डालना शुरू किया है। देखिए डोरी हमने डाल दी है दोनों साइड में, ये देखिए, ये देखिए। ये देखिए